अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप आप सब अच्छे से होंगे अवेरे वारा वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम एक मैराथन सेशन लेके आए हैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का अगर आप इसकी डिटेल लेक्चर देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना के आप जाके देख सकते हो ठीक है निलमत पुराना जो अर्लीस्ट नून टेक्स्ट ऑफ कश्मीर था इसका जो ऑथर था वो था अन एंड अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना द नागास वर द दिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर वैली एंड द वैली वाजा औरजिनल लेक जिसे सर कहते थे इट इज़ बिलीव देर दर डेमोन डेमाउंड जलोदा जो लोगों पर म करता था एंड फिर लोग कश्यप ऋषि के पास गए थे और कश्यप ऋषि ने लोगों की मदद की थी एंड जलोदा को मार दिया ठीक है और ये भी कहा जाता है कि जो कश्मीर वाज औरजिनल ह्यूज लेक लेक का नाम था सतीसर ठीक है एंड कश्यप रशी ने बारामूला साइड में माउंटेन को होल किया था ठीक है जो सारा पानी यहाँ से ड्रेन अप हो गया था एंड ये सारा वैली जो था कश्मीर वैली ड्राई अप हो गया था और फिर लोग यहाँ पे रहने आ गए थे और और लोगों ने जो वैली को उस टाइम नाम दिया था वो दिया था उन्होंने कश्यपमहर या कश्यपोरा इंपॉर्टेंट है कि कश्यप और कश्यपपोरा कश्मीर के नेम थे सॉरी एंड द वर्ड कश्मीर का मतलब अगर हम समझेंगे इसका मतलब होता है तो टू डेस्केट वाटर का का मतलब होता है वाटर शिमिरा का मतलब होता है डिसिकेट सो द वर्ड कश्मीर मीनस टू डिसिकेट वाटर और जो एनसेंट ग्रीक्स कश्मीर को बोलते हैं कशपीरिया और जो कलहाना था फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर जो है कलहोना सेंचुरी का और राज तारंगी कलहाना ने जो लिखी थी बुक राजारंगी उसमें टोटल कितने वर्सेस थे सेवन एट टू सिक्स वर्सेज थे और इन बुक्स को उन वर्सेस को कितने बुक्स में डिवाइड किया गया था आठ बुक्स में डिवाइड किया था उनको इकट्ठा नाम इकट्ठे नाम बोला जाता था तारंगज और जो कलहाना ने राज तारंगी लिखी है इसने कंप्लीट किया था ये किसके रैन में इसको कंप्लीट किया था जूरिंग द रैन ऑफ जय और जय कौन था एक रूलर था लोहरा डाइनासिटी का ठीक है एंड जो वर्ड राज तरंगी है इसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स ठीक है ये भी कल ही पूछा गया था जो वेटररी फार्मेस्ट का एग्जाम है इसमें पूछा गया था कि राज तारंगी का मतलब क्या है ठीक है और जो राज तरंगी औरिजिनली किस में लिखी गई थी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी संस्कृत लैंग्वेज में और मुला अहमद ने इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में और एस टी ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में अब हम इंसेंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ठीक है जो कलहाना ने राज तरंगी स्टार्ट की थी इसने बिफोर महाभारत पीट ने स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू राज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गो न फर्स्ट मौरन अम्पायर ठीक है कश्मीर वाज़ रूल्ड बाय ग्रेट मौर रूलर अशोका एंड हु वाज अ फॉर ऑफ बुद्धज़म ठीक है मौरन अम्पायर में जो ग्रेट रूलर था मौरन अम्पायर का वो था अशोका वो किसका फॉलोर था बुद्धज़म इमपॉटेंट है ये भी अशोका द सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड पंद्रेन अशोक ने सिटी फाउंड की थी जिसे पेंद्रिथन कहते हैं अशोक ने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ट किए हैं जिनमें से फेमस टेम्पल हैं शोर टेम्पल वो कहाँ हैं बिजबिहारा में कुशन इंपॉर्टेंट है रूलर कौन था ठीक है द रूलर ऑफ इसमें इसके तीन रूलर थे ठीक है के तीन इंपॉर्टेंट रूलर थे एक का नाम था हशका इसने अपने नाम पे एक टाउन बनाया था कपूर दूसरे का नाम था जुस्का उसने अपने नाम पे टाउन बनाया जिसका बोर एंड द थर्ड वन इज़ का जो इम्पोर्टेंट है इसने का कनिस्पोरा बनाया ठीक है और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था हेल्ड बाई का ने हेल्ड किया था कहाँ कुंडलवान में जो कि हरवन में है श्रीनगर में विच वॉज हेड बाई वासुमित्रा इंपॉटेंट अगर पूछा जाएगा जनरली किसने हेल्ड किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और का ने किया था अब ये पूछा जाएगा अगर ये पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन था फोर्थ बुधिट काउंसिल तो वो था वासु इन दिस इन दिस काउंसिल बुद्धिज़् डिडेड डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स जो ये फोर्थ बुधस्ट काउंसिल है इसमें बुद्धिज़म दो सेक्ट्स में डिवाइड हुए थे महायाना एंड हिना कारकोटा डाइनीसिटी इस डाइनीसिटी का दूसरा नाम नागास है ना। इसका फाउंडर कौन था दुल्ला बरदाना और इसी के रैन में इसी के इसी डाइनीसिटी के टाइम पे दो चाइनीज ट्रॉलर आए थे कश्मीर में एक का नाम था हुई संग और दूसरे का नाम था उइकोंग एंड जो हुईसंग ने इसने कश्मीर को नाम दिया है कश्मीलो। और जो इस डाइनीसिटी का ग्रेटेस्ट रूलर था वो था ललित आदित्य मुक्ता पिदा एंड इसे कश्मीर एंड <coughs> <coughs> इसे किस नाम से पुकारा जाता है समुद्रगुप्त गुप्ता ऑफ कश्मीर सो ललित आदित्य मुक्ता पिदा नोन ए समंद्रा गुप्ता ऑफ कश्मीर टेम्पल इसने एक सिटी बिल्ड की थी जिसका नाम था परियासपुर जि, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर एज इज कैपिटल और इसने फेमस टेम्पल जो बनाया था वो था मार्टिन टेम्पल या सन टेम्पल से बोलते हैं कहाँ पे अनंतनाग में यानी कि ये डेडिकेटेड था तो लॉर्ड सूर्या ठीक है और ये क्वेश्चन भी वेटरनरी फार्मिस्ट में पूछा गया था कल पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मार्टन सन टेम्पल किसने बिल्ट किया एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आए थे और दूसरा क्वेश्चन आया था कि मार्टन सन टेम्पल किस को डेडिकेटेड है ठीक है इसका जो लास्ट रूलर है वो था जया पिदा अब हम मीडियल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं उत्पला डाइनेसिटी फाउंडर अवंति वर्मन इसने अपने नाम पे जो फाउंड किया था अवंति ठीक है इसने टू टेम्पल्स बिल्ड किए थे एक इसने डेडिकेट किया था लॉर्ड विष्णु को दूसरा इसने डेडिकेट किया था लॉर्ड शिवा को एंड इसी के टाइम पे एक फेमस इंजीनियर था एक बेस्ट इंजीनियर था सोया जिसने सोयापुर बनाया था जिसे आज सोपर कहते हैं एंड शंकर वर्मन जो इसका बेटा था अवंती वर्मन सन ऑफ अवंती वर्मन का बेटा जो था शंकर वर्मन सन ऑफ़ अवंती वर्मन इसी ने किया था फोर्स लेबर इन कश्मीर ठीक है किसने स्टार्ट किया था फोर्स लेबर इन कश्मीर शंकर वर्मा ने शंकर वर्मा कौन था वो ये था अवंती वर्मन का बेटा एंड इसने बिल्ड किया था शंकर पोरा जिसे पटन कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी इसका जो फाउंडर था वो था परवा गुप्ता और केम, केम गुप्ता इसका बेटा था जिसने मैरी किया था क्वीन दीदा से एंड जूरिंग द रैन ऑफ क्वीन दीदा मोहम्मद गजीन ने ट्राई टू तो एनवेज कश्मीर ठीक है बट फेलड सो so, ये भी पूछा जाता है कि किसके टाइम पे मोहम्मद गजनी ने इन्वेट किया था कश्मीर वो था क्वीन दीदा के टाइम पे और पूछा जाए को, कौन सी डाइनीसिटी के टाइम पे तो वो है गुप्ता डाइनीसिटी आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन दीदा हर निफ्यू संगमराज स्टार्ट लोहरा डाइनीसिटी ठीक है जब क्वीन दीदा की क्वीन दीदा की डेथ हो गई उसके बाद उसका जो निफ्यू था वो था संगम राज जिसने अपनी डाइनीसिटी स्टार्ट की थी जिसे जिसका नाम उसने रखा था लोहरा डाइनीसिटी फाउंडर तो संगम राज और जय सिमा इस डाइनीसिटी का जो ग्रेटेस्ट रूलर था इंपॉर्टेंट है जय सिमा किस डायनीसिटी का रूलर था लोहरा डाइनीसिटी का और ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था कि इसी के रेन में कलहाना ने राज तारंगी कम्प्लीट की है सो तो किसके रेन में कल्हाना ने राज तारंगी कम्प्लीट की थी वो था जय जय और जयसम्मा कौन था वो था लोहरा डाइनीसिटी का रूलर और जो इसका लास्ट रूलर था वो था वनीता देवा देवा डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी, सो अगर पूछा जाएगा लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी देवा डायनेसिटी एंड इसका जो रूलर था सोहादेव एंड इसी के रैन में दो कश्मीरी दो कश, दो ट्रेवलर आए थे कश्मीर एक का नाम था, <coughs> एक, नाम था, एक था. का नाम था एक का नाम था रिंचन जो एक लद्दाखी प्रिंस था दूसरा का नाम था शाहमीर जो पाकिस्तान से यहाँ पे आया था ठीक है तो सुहादेवा के टाइम पे कौन से दो ट्रेवलर आए थे कश्मीर एक था रिंचन दूसरा था शाहमीर एंड ये यहाँ पे एट दैट टाइम मंगोलों ने यहाँ पे इन्वेट किया था ठीक है फ्रॉम सेंट्रल एशिया से यहाँ पे इन्वेट किया था सो so उस टाइम सुहादेवा यहाँ से भाग गया उसके बाद रिंचन आया इसने इस्लाम कबूल किया था ठीक है किसकी हेल्प से इसने इस्लाम कबूल किया था ये ये भी पूछा जाता है कि रिचन ने किसकी हेल्प से इस्लाम कबूल किया था वो था बुलबुल शाह एंड शाह एंड यही रिंजन था जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर बना है ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है अगर पूछा जाए सिंपल फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर कौन था फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन था वो था रिंजन और रिंजन ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम क्या रखा सुल्तान सदरुद्दीन और पहली मवसि जो इसने बनाई थी उसका नाम था बड मस्जिद इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट मासिक जो बनाई गई उसका नाम क्या है बड मस्जिद और रिंचन ने मैरी किया था कोटा रानी के साथ एंड कोटा रानी कौन को थी शी वॉज द डॉटर ऑफ रामा द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ सहादेव जो सहादेवा का कमांडर ऑफ चीफ था रामा उसी की बेटी थी कोटा रानी इम्पॉर्टेंट नहीं है आफ्टर डेथ ऑफ रिंचन कोटा रानी मैरिड उद्यान देवा जब रिंचन की दे, दे, रिंचन की डेथ के बाद कोटा रानी ने मैरी किया था उद्यान देवा के साथ ठीक है और उद्यान देवा ही था लास्ट रूलर ऑफ हिंदू डायनेस्टी ठीक है पूछा जाएगा लास्ट रूलर ऑफ हिंदू डायनेस्टी कौन था वो था उद्यान देवा एंड उद्यान देवा किसका ब्रदर था सहादेवा का इसके बाद शाहमीरी डायनेसिटी ठीक है फाउंडर कौन था शाहमीर और शाहमीर कौन था ये मिनिस्टर ऑफ रिंचन क्या मिनिस्टर ऑफ़ रिलीजन था इसने अपनी डाइनीसिटी बनाई इसका नाम रखा था उसने शाहमीरी डायनेसटी और इसने क्या नाम रखा था अपना सुल्तान शमसुद्दीन सो so, इम्पॉटेंट है शाहमीर का दूसरा नाम क्या है सुल्तान शमसुद्दीन एंड मोस्ट इम्पॉटेंट रूलर्स ऑफ शाहमीरी डाइनीसिटी में जो दो इम्पॉर्टेंट रूलर है वो कौन थे एक था सुल्तान शाहबुद्दीन दूसरा था सुल्तान जैन लादीन. ये दो इम्पॉटेंट रूलर थे ऑफ द शाहमीरी डाइनीसिटी अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम सुल्तान शहाबुुद्दीन इसे ललित आदित्य ऑफ मीडाल कश्मीर कहते हैं इम्पोर्टेंट है जिसका भी दूसरा नाम है वो इम्पोर्टेंट है इसने फाउंड किया था सिटी शहाबुद्दीन पोरा जिसे शादी पोरा कहते हैं ठीक है कुतुब्दीन इसका रियल नाम हिंडल है पूछा जाता है कुतुब्दीन का रियल नाम क्या था हिंडल एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके हैं इसी के रैन में मीर से अली हमदानी रहमतुल्लाह अ विज़िट किए थे कश्मीर फर्स्ट टाइम तो ये भी पूछा जाता है कि किसके रैन में मीर सैद अली हमदानी ने पहली विज़िट किया था कश्मीर वो था कुतुबुद्दीन सुल्तान सिकंदर ये कुतुबुद्दीन का बेटा था इसे औरंगज़ेब ऑफ़ कश्मीर कहते हैं ठीक है सो so, सुल्तान सिकंदर का दूसरा नाम क्या है औरंगज़ेब कश्मीर इसने एबॉलिश किया था सदी सिस्टम तयमेर ने इन्वेट किया था कश्मीर इसी के रेंज में ये भी पूछा जाता है एंड तयम ने वुडन एलिफेंट गिफ्ट दिया था सुल्तान सिकंदर को ठीक है सुल्तान सिकंदर औरंगज़ेग कश्मीर एवालिस सती सिस्टम एंड तयम ने इन्वेट किया था सुल्तान सिकंदर के टाइम पे ही एंड गिफ्ट दिया था वुडन एलिफेंट टू सुल्तान सिकंदर सुल्तान जैन अब्दीन इसे बडश कश्मीर कहते हैं या अकबर ऑफ कश्मीर एंड इसने ओपन किया था रॉयल किचन फॉर हिंदू पिलग्रिम्स के लिए एट रैना वारी में जिसे जोगी लंगर कहते हैं श्रीनगर में ठीक है और एबॉलिश जजिया टैक्स इसने एबॉलिश किया था इसने बनाया नौशारा या नौशादरी जैनापुर जैनाकोट जैनागीर ये सारे इसने टाउन अपने नाम पे बनाए और फर्स्ट वुडन ब्रिज इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वुडन ब्रिज जो कश्मीर में बनाया गया था उसका नाम क्या है जैना कदल किसने बनाया था जैन उब्दीन ने बनाया और इम्पोर्टेंट है ने? एक आइलैंड इसने फाउंड किया था जैना लंक जो कि वलो लेक में है ठीक है वलो लेक के सेंटर में एक आइलैंड है जिसे जैना लंक कहते हैं किसने फाउंड किया था भाई जैनद्दीन पेपर मैशी इंट्रोड्यूस किया था और इसकी बायोग्राफी है जैन प्रकाशन सुल्तान आबिदीन की बायोग्राफी है ज़ैन प्रकाशन किसने लिखी बाई योड बाट एंड दूसरी जो बायोग्राफी इसके नाम पे जैन चरित पंडित नथुराम ने लिखी है इम्पोर्टेंट एंड है। जोना राजा कौन था एक कश्मीरी पॉइंट था जिसने लिखा था वितिया राजंगी जो कि सेकंड पार्ट ऑफ राजी है सो so, जोना राजा कौन था कश्मीरी पॉइंट था जो सेकंड पार्ट ऑफ राजी किसने लिखी थी जोना राजा ने ठीक है उसका नाम क्या था वितिया राजंगी एंड जो लास्ट रूलर था शाह मीरे डाइनीसिटी का वो था हबीब शाह और हबीब शाह को जो डिथ्रोन किया था वो किया था गाजी चक ने एंड गाजी चक इसका कमांडर था ठीक है चक डायनेसटी इसका जो फाउंडर था नसरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक इसके बाद यूसफ शाहच जो कि अली शाह चक का बेटा था इसने मैरी किया था हबा ख़ातून के साथ जिसे जून पीज एंड पॉइटर्स ऑफ कश्मीर या नाइट इंग ऑफ कश्मीर कहा जाता है ठीक है तो ये क्वेश्चन भी कल आया था वेटरनरी फार्मिस्ट में कि नाइट इंग ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है एंड यूसुफ़ शाह चाक को इम्प्रज़ेंट किया था किसने किया था बाय अकबर ने इन बिहार में और फिर ये वहीं पर इसकी वहीं पर डेथ हो गई थी फिर एंड याकूब शाह शाहचाक जो इसका बेटा था उसके बाद इसने रूल किया था कश्मीर बट डिफीटेड बाय कासिम खान एट हरी ठीक है तो याकूब शाह चाक को किसने डिफ़ीट किया था कासिम खान ने कहाँ पे डिफ़ीट किया था हरी में एंड फिर मगल अम्पायर इस्टबलिश हुआ था कश्मीर में मगल अम्पायर डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से जो भी चीज़ पढ़ा जाएगा उसका डेट इम्पॉर्टेंट है मगल अम्पायर अकबर ने कमकयर किया था कश्मीर 1587 में इम्पॉटेंट है एंड इसने अपॉइंट किया था कासिम खान को फर्स्ट गवर्नर तो इम्पॉटेंट है फ़र्स्ट गवर्नर कौन था वो था कसिम खान एंड अकबर विजिट कश्मीर फर्स्ट टाइम अकबर ने तीन बार विज़िट किया था कश्मीर तो हर बार इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जब इसने विज़िट किया तब क्या हुआ था सेकेंड बार जब विजिट किया था तब क्या हुआ था ये यह इंपॉटेंट ये, ये पूछा जाता है अकबर विजिट कश्मीर फ़र्स्ट टाइम 1589 में इसने पहली बार विज़िट किया था कश्मीर और उस वक्त जो गवर्नर था वो था यूसुफ खान रिजवी जो कि सेकंड गवर्नर था पहला था कासिम खान सेकंड था यूसुफ खान रिजवी एंड जो इसका फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था राजा तोड़ामल इसने रेवेन्यू या लैंड सेटलमेंट ठीक है किया था उस टाइम सो so राजा तोड़ामल जो इसका फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था मेड रेवेन्यू एंड लैंड सेटलमेंट सेकेंड टाइम रें विजिट इसने फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी परबत फोट की स्टार्ट की थी ठीक है एंड आल्सो बिल्ट नागर नगर एक टाउन है इसके पास हरी परबत फोर्ट के पास इसने ये बिल्ट किया है जब अकबर ने थर्ड टाइम विज़िट किया था किसके साथ इसने विजिट किया था इसके साथ कौन ट्रावलर दो आए थे एक था जरोमी जेवियर दूसरा था बेनोश डी जियास और उस टाइम इसने बल्तिसान एंड लद्दाख को अपने कमांड में लिया था बॉली जजिया टैक्स एंड पिलग्रमेज टैक्स एंड इसने मगर रोड कंस्ट्रकिया है जहांगीर डेट इम्पॉर्टेंट है वाइफ नूर जहाँ विजिट कश्मीर सेवरल टाइम्स या कहीं पे लिखा है थर्टीन टाइम्स शाली बार बाग बिल्ड किया था इम्पॉटेंट है सिक्सटीन नाइनटीन एडी में एंड पत्थर मस्जिद विदाउट वो पत्थर मस्जिद विदाउट डूम निशाद बाग की फाउंडेशन लेट की थी बाई आसिफ़ खान जदर था नूर जान का एंड अशबल एंड वेरी नाव को रिनोवेट किया था ठीक है शाहजहां 1628 एट वाइफ मुमताज़ विजिटेड कश्मीर फोर टाइमस बिल्ट चश्मे शाही थ्रू इज़ गवर्नर मरदान अली खान 1632 थर्टी टू है इम्पॉटेंट शाही ने किसने किस चश्मे शाही को किसने बिल्ट किया था बाई अली मर्दान खान अली मर्दान कौन था वो था गवर्नर किसका गवर्नर था शाहजहाँ का कब बनाया सिक्सटीन थर्टी टू भी इम्पोर्टेंट है एंड ये भी कहा ये भी कहा जाता है कि इसने कुछ पार्ट शालीमार बाग का भी ब्यूल्ट किया था एंड जो इसका बेटा था दारा शिका इसने ब्य किया था पे महल सो किसने ब्यूल्ट किया था परी महल दारा शिका दारा शिका कौन था वो वो था सन ऑफ शाहजहां औरंगजेब 1658 फिफ्टी इसे ज़िंदा पीर कहते हैं एक ही बार कश्मीर विजिट किया था एक ट्रॉलर के साथ इम्पोर्टेंट है ट्रॉलर का नाम क्या था फ्रांसिस बर्नियर शॉल एक्सपोर्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट जो इसी के टाइम पे फ्लोरिश हुआ था एंड मह मुबारक महि मुबारक इसने लाया था कश्मीर ये माना जाता है कि इसके टाइम पे मह मुबारक कश्मीर लाया गया था ये क्या है द सेक्रेट हर ऑफ दट हर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सलम ठीक है एंड फोटीन गवर्नर औरंगजेग ने अपॉइंट किए थे इम्पोर्टेंट हैं सेफ बाई सेफ खान सेफ खान ने सफ़ा कदल बनाया नाम से ही पता चल रहा

कि कश्मीर को कंट्रोल किया क्योंकि सिचुएशन ख़राब हुई आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब तो यहाँ पे लूट मार शुरू हुई थी लोगों पे जुल्म होना शुरू हो गया था उसके बाद ये दो गए थे अहमद शाह अब्दाली के पास टू कंट्रोल कश्मीर और अहमद शाह अब्दाली ने आर्मी भेजी बट किसके कमांड में अंडर अब्दुल्ला खान इसहा कमांड में ठीक है टू कंक्योर कश्मीर एंड उसके बाद अफ़ग़ान रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था एंड ये यहाँ से अफगान रूल से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट होती है अफगान रूल डेट इम्पॉर्टेंट है सेवनटीन फिफ्टी थ्री टू एटीन नाइनटीन तो पहला गवर्नर इन्होंने अपॉइंट किया था अब्दुल्ला खान इसा क्योंकि इसी को भेजा था यहाँ पे टू तो कंट्रोल कश्मीर एंड इसे बोलता बोलते हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर इंपॉर्टेंट है तो डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर अफगान रूल को बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि दे वार एक्सपेक्टिंग कश्मीर जो आफ्टर uh, ऑरेंज है कि यहाँ की जो सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि जो अफगान है ये इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे वहाँ अफगानों ने ज़्यादा जुल्म करना स्टार्ट कर दिया था ठीक है लोगों पर ज़्यादा जुल्म करना स्टार्ट कर दिया था लूट मार स्टार्ट कर दिया था ठीक है इसीलिए इसको डार्केस्ट पीरियड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं कितने साल तक अफ़ानों ने यहाँ पे रूल किया सिक्सटी सेवन ईयर्स इंपॉर्टेंट डार्केस्ट पीरियड कहते हैं सिक्सटी सेवन साल तक इसने उन्होंने यहाँ पे रूल किया था और इन्होंने अपॉइंट किया था ट्वेंटी एट गवर्नर्स यहाँ पे जिनको सूबेदार्स कहते हैं और आमिर खान ने जो एक गवर्नर था इसने अमीरा कदल बिल्ड किया था एंड शेर गोरी फोर्ट ऑन जहलम ठीक है आमिर खान अपने नाम पे अमीरा कदल एंड आल्सो शेर गरी फोर्ट जहलम रिवर पे इसने बिल्ड किया आल्सो लिक्ड आंचार एंड डल लेक बाय बाई आमिर खान नाला ठीक है जो डल लेक है और आंचार लेक हैं इसको एक नाला से कनेक्ट किया है जिसका नाम है आमिर खान नाला ठीक है एंड अता मोहम्मद खान वाज द ऑनली गवर्नर हु रेस्टोर पीस इन कश्मीर ड्यूरिंग अफ़गान रूल ठीक है एंड इसने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस फ्रॉम अफ़गान बाद में इसको भी कत्ल किया गया है ठीक है एंड इम्पॉर्टेंट है कि इसने इशू किए थे कायनस इन द नेम ऑफ सेंट शेख नूरदीन रेशी रहमत सो किसने इशू किए थे कॉइन अता मोहम्मद खान ने कौन से सेंट के नाम पे शेख नूरदीन रेशी के नाम पे रहमत ला याला। ठीक है जो लास्ट अफगान गवर्नर था वो था जबर खान एंड उसके बाद जो जो टू कश्मीरी थे पंडित बीरबल एंड पंडित राजा कागदार वेंट टू लाहौर एंड रिक्वेस्टेड महाराजा हरी सिंह टू कनक्योर कश्मीर ठीक है उसके बाद एटी नाइनटी में कश्मीर बिकम पार्ट ऑफ सिकरो एंड बैटल ऑफ शुपन इम्पॉर्टेंट यही बैटल हुई थी जिसमें अफ़गान और सिख के बीच में जो बैटल हुई थी जहाँ पे सिखों ने यह वार जीता है ठीक है उसके बाद सिकरो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इंपॉर्टेंट ट्रिटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल एटीन जीरो नाइन एंड एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन सा चार्ल टी दैन सिक रूल स्टार्ट इन कश्मीर डेट इम्पॉर्टेंट फाउंडर कौन था महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग किस करता था शुक्र चक्रेया मिसल ठीक है टोटल टूल्व मिसल्स थे मिसल का मतलब होता इक्वल ठीक है अलग अलग जगह पर यह रूल कर रहे थे ठीक है और जो रंजीत सिंह कश्मीर में रूल कर रहा था वो किस मिसल से बिलोंग करता था शिकर चक्रिया मिसल एंड इसने कैप्चर किया था लाहौर फ्राम जमान खान से जो अफगान रूलर था ठीक है रंजीत सिंह ने कैप्चर किया था लाहौर भी क्योंकि लाहौर पे भी सिखों का रूल था तो लाहौर को कैप्चर किया था इसने जमान खान से जो अफगान रूलर था ठीक है और सिख ने कितने साल तक रूल किया था ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन ईयर्स तक एंड अपॉइंट किए थे टेन गवर्नर देन दीवान मोती फर्स्ट सिख गवर्नर कौन था दीवान मोती राम? एंड 1834 एडी में जो सिख कमांडर था जोरावर सिंह इसने कनक्योर किया था लद्दाख जंस्कार एंड बल्तिस्तान एंड मियां सिंह पॉपुलर नोन एज कलोनल साहिब वाज़ द बेस्ट गवर्नर ठीक है पूछा जाता है कि बेस्ट गवर्नर अगर पूछा जाए कि सिख का कौन था वो था मियां सिंह एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था एटीन फोटी फाइव टू एटीन सिक्स ए डी में लाहौर वॉज कैप्चर्ड ईस्ट इंडिया की तरह थे, जो था, था महाराजा दिलीप सिंह ट्रीट लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी एंड एंग्लो सिख वार जो ये वार हुई थी इसको एंड करने के लिए ट्रीटी साइन हुई थी जिसे ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं या इसे पीस ट्रीटी भी कहते हैं ठीक है बिटवीन दिलीप सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नर सर हेनरी हार्डिंग इन इन दो के दरिया ये ट्रीटी साइन हुई थी और इस ट्रीटी में कुछ पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए एज पर ट्रीटी सिक्स एग्री टू तो हैंड ओवर कश्मीर एंड हज़ारा एंड जालंधर दो टू ब्रिटिश लॉस इन दिस वार तो इनको कुछ शर्तें रखी थी ब्रिटिश ने वो शर्तें उनको माननी पड़ी वो शर्तें क्या हैं पहली शर्त जो थी कि इनको बुला कश्मीर और हज़ारा एक हज़ारा पाकिस्तान में एक ठीक है जगह है कश्मीर और हज़ारा को उनको ब्रिटिश को देना था एंड जालंधर दो जिसमें ब्यास एंड सतलुज ठीक है हैंड ओवर टू ब्रिटिश एंड इट वाज ड्यू टू दिस ट्रीटी दैट कोहिनमंड टू ब्रिटिश कोहिन डायमंड था सिकू के पास इन्हें हैंड ओवर करना पड़ा ब्रिटिश को दिक्स पे आ वेरी ह्यूज वार इंश्योरेंस टू ब्रिटिश इनको ये भी कहा गया है कि, कि जो ये वार उन्होंने लॉस किया इसमें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर, करने के लिए इनको एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ा जो कि ये पे नहीं कर पाए थे दिक्स वायर आमिट दियर आर्मी टू आटे इन समॉल सिगू को यह भी कहा गया था कि जो तुम्हारी आर्मी है उसको आप कम कर दोगे ठीक है इन एक्शन ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस वॉज अपॉइंटेड टू तो दिक कोर्ट ठीक है एक और पॉइंट था जो सर हैनरी लॉरेंस था जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट था इसको अपॉइंट किया गया था सिक कोर्ट में सो जो भी फैसले होते थे कोर्ट में वो किसकी हेल्प से होते थे बाय सर हैनरी लॉरेंस इंपॉर्टेंट है लास्ट सी गवर्नर कौन था शेख इमामुद्दीन अब डोगरा इन कश्मीर डेट इंपॉर्टेंट है एटीन फोर्टी सिक्स नाइनटीन फोर्टी सेवन ट्री ऑफ अमृतसर सिक्सटीथ मार्च एटीन फोटी सिक्स ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी सिक्सटीथ ऑफ मार्च एटीन फोटी सिक्स इसे सेल ऑफ़ कश्मीर भी कहते हैं क्योंकि दरमियान ये साइन हुई थी बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, और कश्मीर वाज सोल्ड टू ब्रिटिश फॉर 75 फाइव लैक नानाक शाही रुपीज़ नानाक शाही रुपीज़ का मतलब होता जो रूलिंग करेंसी थी ऑफ सिंग रूल की थी तो सेवेंटी फाइव लैक रुपीज़ ठीक है एंड जो फाउंडर था डोगरा रूल का वो था गुलाब सिंह जो कि आर्मी चीफ था रंजीत सिंह का एंड गुलाब सिंह ही फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना था एंड इसमें जो जम्मू कश्मीर था इसको तीन रीजन में डिवाइड किया गया था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड जो कश्मीर है इसको दो डिस्ट्रिक्स में डिवाइड किया गया था कामराज एंड माराज एंड जो जम्मू रीजन है इसको फोर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया जम्मू कुपाल किश्तवाड़ एंड जसरोदा एंड एस्टेबल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब हुआ था तो गुलाब सिंह के टाइम पे हुआ था या आप कह सकते हो एटीन सिक्स एडी में हुआ था गुलाब सिंह ने फाउंड किया था दर्मा ट्रस्ट एंड परमेन्टल टाउन एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल एंड रिनोव किया था रियासी फोर्ट जिसे भीमगढ़ फोर्ट भी कहते हैं एंड रिफॉर्म किया था एंड इसने रिफॉर्म किया था बेगर सिस्टम यानी कि फोर्स लेबर यू विल नॉट गेट पेड सो किसने रिफॉर्म किया था फिर से बेगर सिस्टम को वो किया था गुलाब सिंह ने एंड इसे राजा टाइटल किसने दिया था बंजीत सिंह ने उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के बाद आया रनवीर सिंह सन ऑफ़ महाराजा गुलाब सिंह स्कॉलर ऑफ़ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज एंड इसने इंट्रोड्यूस किया था दरबार मु यानी कि शिफ्टिंग ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स फ्रॉम जम्मू टू सिक्स श्रीनगर ठीक है एंड वाइस वर्सा सिक्स मंथ्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर शिफ्ट किए जाते थे जम्मू से श्रीनगर एंड श्रीनगर से जम्मू ठीक है या सिंपली हम कह सकते हैं दरबार मोह का मतलब ये होता है समर एंड विंटर कैपिटल जो कश्मीर के इंट्रोड्यूस किए गए थे वो दरबार में इंट्रोड्यूस किए गए थे किसने किए थे बरणबीर सिंह एंड इसने डिवाइड किया था जम्मू प्रोवेंस को कितने वज़ार्ड्स में सेवन वजार्ड्स में और वजाआस का मतलब होता है डिस्ट्रिक्स एंड कश्मीर प्रोवेंस को इसने डिवाइड किया था सिक्स वज़ारट्स में यानी सिक्स डिस्ट्रिक्स में एंड इसने इंट्रोड्यूस किया था पेपर करेंसी जिन्हें शिकार भी कहा जाता है महाराजा प्रताप सिंह सन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह इसने बेगर सिस्टम एबॉलिश किया था एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बानिहाल रोड इसने इनिशिएट किया था एंड इसने कंप्लीट भी किया था 1915 में एंड जो इसका मेन इंजीनियर था वो है पंडित लक्ष्मण जू टिक्कू एंड जो बानिहाल रोड है 1922 में ये ओपन किया गया था फॉर पब्लिक के लिए सो महाराजा प्रताप सिंह मेड प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड ब्यूटी जहलम वैली रोड एंड फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोहरा इसने बिल्ड किया था जहलम रिवर पे कहाँ पे बारामूला में एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर आल्सो लिंक किए थे एंड दो डिग्री कॉलेज इसने बनाया एक श्रीनगर में बनाया था जिसका नाम है एस कॉलेज एंड दूसरा जम्मू में जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी कहते हैं एंड यह आल्सो बिल्ट सिल्क इंडस्ट्री एट श्रीनगर एंड आल्सो एट जम्मू एंड इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू सिल्क इंडस्ट्री को गोल्ड मेडल मिला था एंड सियालकोट जम्मू जो रेलवे लाइन इनाग्रेट किया था इट वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ सिटी जम्मू एंड कश्मीर सो फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ सिटी जम्मू एंड कश्मीर वो थी सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन ठीक है एंड वर्ल्ड फेमस हाउस बोट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रैन तो फेमस हाउस बोट जो कंस्ट्रक्ट किया गया है उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वेरियस इरिगेशन कनाल इसने कंस्ट्रक्ट किए थे रणबीर कनाल प्रताप कनाल उज कनाल एंड अपर जहलिम कनाल ठीक है रणबीर कनाल बाई प्रताप सिंह नॉट बाई रणबीर सिंह एंड एस्टेब्लिश किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट स्कूल बांडीपोरा में एंड फर्स्ट न्यूज़ पेपर जो पब्लिश किया गया था ट्वेंटी फोर्थ जून नाइनटीन ट्वेंटी फोर एंड न्यूज़ पेपर का नाम था रणबीर एंड और ज, कौन सी लैंग्वेज में था वो उर्दू लैंग्वेज में एंड मलक राज राजप ने स्टार्ट किया था फर्स्ट एवर न्यूज़ पेपर इन जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह डेट इज ही वाज़ अ निफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह एंड सन ऑफ अमर सिंह कमांडर ऑफ चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस इम्पोटेंट इंटरड्यूस द स्टेट सब्जेक्ट नाइनटी सेवन एडी ठीक है और किन के लिए स्टेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था मलकीज़ मुलकीज़ का मतलब होता है जो रेजिडेंट ऑफ स्टेट थे यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट के जो रेजिडेंट थे उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था ठीक है एंड इन मैरिज रेगुलेशन टी नाइनटीन ट्वेंटी में ये एक्ट ये रेगुलेशन पास किया गया था जिसमें दो पॉइंट याद रखोगे कि, कि जो बॉयज़ थे उनके लिए जो मैरिज थी उसकी मिनिमम एज रखी थी एटीन इयर्स एंड फॉर गर्ल्स गर्ल्स के लिए जो लिमिट फॉर एज रखी थी ट्वेंटी वन ईयर्स ठीक है सो नाइनटीन थर्टी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैं पार्टिसिपेट किया था महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था 1930 में फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो वो था महाराजा हरी सिंह विडो रिमारेज एक्ट एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1931 नाम से पता चल रहा है फर्स्ट लेजस्लेटिव असम्बली ऑफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसे प्रजा सभा कहते थे नाइनटीन थर्टी एडी में हुआ था अब आप कमेंट सेक्शन में दूसरा जो आपके लिए होमवर्क क्या हुआ है प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताओगे प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है और टोटल जो इसमें प्रेजेंट में टोटल कितने मेंबर्स थे सेवेंटी फाइव मेम्बर्स थे एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स फादर ऑफ़ रेनेसेंस कौन था हरी सिंह था अब आप मुझे बताओगे फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कौन था और जो रेनासेंस का मतलब होता है रिबर्थ किसकी रीबर्थ यानी कि डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर फ़िलासफी म्यूजिक एंड रिलीजन इनकी डेवलपमेंट होना इसे रेनासेंस में सिंपल वर्ड्स में हम अगर कहेंगे तो इसे रेनासेंस हम कह सकते हैं और प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी की थी किसने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी की थी वो था महाराजा हरी सिंह यानी कि फोर्स टू स्टडी अब कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो फ़ाउंड की थी बाय चौधरी गुलमद एंड शेख अब्दुल्ला दोनों ने यह फ़ाउंड किया था 1932 में जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय चौधरी गुलाम अब्बास एंड शेख अब्दुल्ला और फिर याद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग 1938 में एस्टेब्लिश हुआ था जम्मू कश्मीर बैंक जिसका हेड क्वार्टर श्रीनगर में था और 1939 में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है इसको कन्वर्ट किया गया फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ठीक है जो जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है इसको कन्वर्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में कब किया ये नाइनटीन थर्टी नाइन में एंड इम्पॉर्टेंट ऑन ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था बिटवीन महाराजा एंड इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गोवरमेंट की, की तरफ से जो था वो था जवाहरलाल नेहरू जो डेट टाइम प्राइम मिनिस्टर था एंड जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट इनके दरमियान ये साइन हुआ था इंस्ट्रोमेंट असिशन ठीक है इंस्ट्रोमेंट असटेंट से पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ये वो पॉइंट ऑन ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन फोटी सेवन यहाँ पर अटैक हुआ था कश्मीर में क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अटैक हुआ था ठीक है तो हरी सिंह ने अपॉइंट किया था ब्रिगेंडर राजेंद्र सिंह टू तो सेव कश्मीर एंड वाज मार्टर्ड हेनस नोन एज सेवियर ऑफ़ कश्मीर एंड स्पेर ऑफ कश्मीर ठीक है जब यहाँ पे अटैक हुआ था तो हरी सिंह ने अपॉइंट किया था ब्रिगेंडर राजेंद्र सिंह को क्या वो कश्मीर वो कश्मीर को सेव करे कश्मीर को बचाए कश्मीर की सिचुएशन कंट्रोल करे बट वो इस लड़ाई में शहीद हुए थे ठीक है और इसीलिए इसे सेवियर ऑफ कश्मीर कहते हैं या सपेर ऑफ कश्मीर कहते हैं ठीक है उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसशन साइन हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए महाराजा हरी सिंह मजबूर हो गया था कि इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प लेने के लिए एंड गवर्मेंट इंडिया ने हेल्प करने करने के लिए इनको कहा था कि इनकी शर्त रखी थी कि आपको इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रोमेंट साइन करना पड़ेगा और इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रोमेंट साइन करने के बाद ही हम अपने इंडियन ट्रूप्स कश्मीर में भेज सकते हैं बट इंस्ट्रोमेंट असटेंट में जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन इन तीन पॉइंट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स लॉज एंड पॉलिसीज कश्मीर में बना सकते हैं बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें कश्मीर गवर्नमेंट खुद ही बनाएगी कश्मीर गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं लॉज होंगे वो उस, उनके अपने होंगे उसमें से कोई इंडियन की मुदाखलत नहीं होगी सिर्फ़ इन्हीं तीन चीज़ों पे जो मुदाखलत होगी इंडिया की वो है ये डिफेंस ये तीन पॉइंट्स नाइनटीन फिफ्टी टू में जो दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था कि दरमियान हुआ था जवाहरलाल नेहरू के दर दरमियान एंड शेख अब्दुल्ला अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं نلمت پرانا اثر انون راجتارنگی সংস্কৃত میں لکھی گئی تھی کس نے لکھا تھا راجتارنگی کس نے لکھا تھا بھائی کلهانہ نے تاریخ کشمیر ملکہ حیدر مختی کشمیر خواجہ محمد مختص تاریخ کشمیر بیربلکشرو تاریخ حسن پیر حسن شاہ جعفرنامہ شریفو الدین یزدی ویلیو کشمیر سر والٹر لاورنس اینڈ لینڈ اف لاما اس الیگزینڈر کیونگام اینڈ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر بشیر بشیر نے फ़र्स्ट सेकेंड एंड एट्थ पार्ट ऑफ राजरंगी को ट्रांसलेट किया था कश्मीरी लिटरेचर में एंड आदश चिनार ऑटोबायोग्राफी है शेख अब्दुल्ला की राज तरंगी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था भाई एसटे ने और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था भाई मुला अहमद ने अभी इम्पोर्टेंट है राज दर्शनी जो जुम्मो हिस्ट्री के रिलेटेड है जुम्मो हिस्ट्री का हमें पता औरजिन कहाँ से मिलता है वो है भाई राजर्शनी किसने लिखा था ये गणेश दर वगैरह ने एंड तवारीखे जम्मू हसमतुल्ला खान तवारीख कश्तवाड़ सूजी दर एंड लैंड लैंड ऑफ हिल्स जी सी सुमिथ गुलाबना जो गुलाब सिंह के नाम पे हैं किस में लिखी गई कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी पर्शियन में एंड किसने लिखा था भैया गुलाब नामा बाई दीवान किरपा राम गुलाब नामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था बाई डॉक्टर एस एस चारक एंड अकबर नामा अकबर के नाम पे हैं बायोग्राफी ऑफ अकबर हैं अकबर नामा इसको अबू फजल ने लिखा था एंड तवाखे डोगरा नरसिंह दास एंड एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम बाय डॉक्टर एस एस चारक जम्मू हिस्ट्री के बारे में नेम ऑफ जम्मू डोगर राजा जम्बू लोचन ने फाउंड किया था जम्मू सिटी इन ट्वेल्थ सेंचुरी एज़ पर राज दर्शनी फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू कौन से डानेसिटी से बिलोंग करते थे सूर्यवंशी डाइनीसिटी अब सूर्यवंशी या अग्निगर डायनेस्टी फाउंड किया था अग्निगिर ने ये डायनेस्टी स्टार्ट की थी इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे जंबुलोचन एंड बहुलोचन, जो प्रमिनेंट वनस थे जो बहुलोचन था ये था एल्डर सन ऑफ अग्नि और अग्नि के फोरफादर थे अग्निगिर एंड बहुलोचन ने टू सिटी फाउंड किए थे नगरी एंड बहुनगर शिफ्ट हिज कैपिटल टू नगरी एंड बहु एंड ब्यूटी किया था एंड बहुलोचन ने ब्यूटी किया था बहु फोर्ट कहाँ पे तावे रिवर पे जम्बू लोचन जो इसका यंगर ब्रदर था इसी ने फोन किया था जम्मू सिटी जो इसका औरजिनली नेम था जम्मू नगर और फिर जम्मू नगर से ये बन गया जम्मू पूर्ण कारण ये जम्बूलोचन का बेटा था इसने शिफ्ट किया था कैपिटल बहुट जम्मू एंड शक्तिकरण या राजा शास्त्री इसने इंट्रोड्यूस किया था डोगरी स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है मालदेव ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था देव डायनेस्टी ये किसका बेटा था जोध देव इम्पोर्टन है जोध देव का बेटा था मालदेव एंड जोध देव ने ही देव डायनेस्टी स्टार्ट की थी एंड मालदेव को मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ जम्मू माना जाता है एंड इसी के पीरियड को गोल्डन पीरियड जम्मू माना जाता है एंड मालदेव ने शिफ्ट किया था कैपिटल फ्राम बाबा पोर्ट जम्मू एंड इसने बिल्ड किया था माल मंडी बाई हिज नेम एंड मालदेव ने रजस्ट किया था तमेर इन्वेजन स्ट्रांगली इन जम्मू पूछा जाता है किसने तमूर्स इन्वेजन को स्ट्रांगली रजिस्टर किया था और किसने किया था बाई मालदेव सो लॉन्गेस्ट डाइनीसिटी इन जम्मू अगर पूछा जाएगा वो थी देव डनीसिटी अ पॉइंट टू रिमेंबर इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी नाइनटीन सेप्टम्बर नाइनटी नाइनटीन सिक्सटी इंडस वाटर ट्रीटी है एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जिनके दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है और ये साइन हुए किया था बिटवीन जवाहरलाल नेहरू ने एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इन इस ट्रीटी में जो तीन ईस्टर्न रिवर्स थे ब्यास एंड रवि एंड सतुज उनका कंट्रोल दिया गया था इंडिया को ठीक है ये ईस्टर्न रिवर्स है इसमें ब्यास रवि एंड सतुज इनका कंट्रोल इंडिया को दिया गया था और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें से आता है इंडस चनाब एंड जहलम इंडस चनाब एंड जहलम इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया ठीक है वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया ओनली ट्वेंटी परसेंट इंडिया यूज़ कर सकता है इंडस वाटर सिस्टम का रेस्ट एटी परसेंट पाकिस्तान को दिया गया शिमला एग्रीमेंट सेकेंड जुलाई नाइनटीन सेवेंटी टू को यह एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़ार अली भुट्टो एंड इसे शिमला एकॉर्ड भी कहते हैं एंड इट वाज संग एट मंथ्स आफ्टर इंडो पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान हुआ था 1971 में उसके बाद ही शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था इस एग्रीमेंट का मकसद ये होता है टू मेक गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एक और इम्पॉटेंट है कारगिल वार कब हुआ था नाइन में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आई होप यू फाइंड दिस वन शॉट मैराथन सेशन वेरी हेल्पफुल आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेट जम्मू कश्मीर हिस्ट्री ठीक है और अगर आपको डिटेल लेक्चर भी चाहिए तो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया था वो चार लेक्चर हैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के तो प्लीज लिस्ट में आप जाके देख सकते हो आई होप यू फाइंड दिस वन शॉट मैराथन सेशन वेरी हेल्पफुल सो थैंक यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल